बंपू तालाब में गंदगी के कारण मरी मछलियां। स्थानीय लोगों ने रेलवे द्वारा तालाब सफाई में ध्यान नहीं देने का लगाया आरोप। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के पंपू तालाब में भारी मात्रा में मछलियां तालाब किनारे पानी में मरी हुई पाई गई। मछलियों के मरने की जानकारी पाकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लगभग 1 क्विंटल मछलियां मर गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि उक्त तालाब पर रेलवे कोई ध्यान नहीं देता है। गंदगी का अंबार तालाब में है, गंदा केमिकल पानी इसमें आकर मिलता रहता है। निगम भी कोई ध्यान तालाब की सफाई पर नहीं देती है। भारी मात्रा में मछलियां मरी है। ये एक गंदगी की वजह से मारा जा रहा मछली। हर साल का नियम है कि पानी पड़ने के बाद गंदगी की वजह से मछली मारा जाता है। अब तो ऐसा लगता है कि बाजार में मछली हम लोग भी नहीं खाएं। समझे, समझे, देख रहे हैं आपका हालात, देख रहे हैं मछली का क्या क्या हो गया है। बहुत कतार में मछली, हाँ बहुत कतार में। रेलवे को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या गंदा पानी, हाँ गंदगी पानी है, इधर उधर से नाला का पानी भी गंदगी आता है। समझे, उसके वजह से सारा मछली मारा जाता है। नहीं दवाई नहीं डाला जाता, गंदगी को, गंदगी को वजह से प्रत्येक साल का है। नुकसान कम से कम लाखों रुपए का तो नुकसान जरूर होगा। समझे, नाम क्या आपका? नाम मेरा मोहम्मद असगर। ये मछली निकलता है उस वक्त कहाँ बाजार? मंडी में जाता है। समझे, इसमें तो बीमारी फैलेगा। अभी तो ये देख रहे हैं महक जैसे बीमारी फैलने का डर है। समझे, चाहते हैं कि रेलवे इसको साफ करवाए। प्रशासन से भी कहते हैं कि साफ कराने के लिए। नमस्कार, मैं हूं बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO। 21 जुलाई से 21 अगस्त 2023 तक हम आ रहे हैं आपके घर मतदाता सूची का 100% भौतिक सत्यापन करने। अरे BLO दीदी, आप आइए आइए, अंदर आइए। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं यहाँ मतदाता सूची के भौतिक सत्यापन के लिए आई हूँ। कुछ दिनों में मैं भी 18 साल की हो जाऊंगी, तो क्या आप मेरा नाम भी मतदाता सूची में जुड़ सकता है? बिल्कुल, 1 जनवरी 2024 तक यदि कोई 18 वर्ष का हो रहा हो तो वो अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है। तब तो इस घर में एक और मतदाता बढ़ गया। दादी जी का नाम मतदाता सूची से हटवाना भी तो है। हाँ माँ। जी हाँ, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सशक्त और समावेशी मतदाता सूची के निर्माण के लिए बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुँच रहे हैं। उनका सहयोग कीजिए और सही जानकारी देकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभु जी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़।